क्वेश्चन है कि व्हाट इफ आई ट्राई टू चेंज द वैल्यू ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम इनसाइड द फंक्शंस बॉडी। अगर हमें फंक्शन की बॉडी के अंदर से बैठ के इस ए को चेंज करना हो, इसको इस ए को, तो कैसे चेंज होगा? ठीक है, तो इसको अगर हमें चेंज करना है तो हमें इसके लिए आपको कुछ चीजें समझानी है, वो आप ध्यान से देखो। देखो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कभी भी किसी वेरिएबल को लोकली क्रिएट करते हो तो वो उसकी सेपरेट कॉपी बनाता है, भले ही उसकी कॉपी ग्लोबल में क्यों ना। अब एक कॉपी ग्लोबल में ए है, अब आपको इसका एक मेमोरी मैप है, उससे आपको समझ आ जाएगा, इसका आउटपुट में मत जाओ। अब इसने ए इक्वल टू 30 लिखा, मतलब फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ये है कि पहले ये लाइन चलेगी, पर इससे कुछ ऐसा खास नहीं होगा, हम इस लाइन से चल रहे हैं। ठीक है, चलेंगे, ये पहली लाइन चलेगी, लाइन नंबर 1 चलेगी, लेकिन हम फिर इस लाइन पे आ गए इक्वल टू 30। जब इक्वल टू 30 चलेगी तो क्या होगा? जब इक्वल टू 30 चलेगी तो लोकल स्कोप में एक वेरिएबल, ग्लोबल स्कोप में एक वेरिएबल क्रिएट होगा ए, और ये पॉइंट करेगा 30 को, इसको पॉइंट करेगा, इस 30 को पॉइंट करेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद चेंज पे कॉल जाएगी, कहां गई कॉल? चेंज पे। जब चेंज पे कॉल गई तो देखो पोजिशनल पैरामीटर है, ये वैल्यू चली गई एक्स को। बोलो समझ में आई कि नहीं आई? मतलब ये कि जो ग्लोबल में जिसका नाम ए है, लोकल में उसका नाम एक्स है। देखो ग्लोबल में जिसका नाम ए है 30 को पॉइंट कर रहा है, एक लोकल स्कोप क्रिएट होगा एक्स, वहां पर उस वेरिएबल का नाम एक्स है और एक्स भी 30 को पॉइंट कर रहा है। बात समझ में आई है? जी सर। अब कोई पूछेगा बताओ वैल्यू रिसीव्ड एक्स, एक्स में क्या वैल्यू रिसीव होगी? फिर 30। बिल्कुल सही। और फिर तुमने एक एक्स इक्वल टू 50 लिखा, तो बच्चा कंफ्यूज होगा, वो कहेगा सर x = 50 तो 30 का क्या होगा? जब तुम x = 50 लिखोगे तो जो पहले x 30 को पॉइंट कर रहा था, ये यहां से मूव करके 50 को पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी देखना वैल्यू रिसीव दैट, अब इसका आउटपुट आएगा, ये पुराना वो पूरा का पूरा दिखाएगा, आउटपुट देखो क्या आएगा, क्या आला, वैल्यू रिसीव 30। अब अपने x = 50 वाली लाइन ग्रीन हो जाएगी, अब ये वाली लाइन देखना ग्रीन हो जाएगी, ग्रीन हो गई। अब देखो अब क्या हो रहा है, अब इसने a को तो 30 पे पॉइंट कराया, लेकिन जो x पहले 30 को पॉइंट कर रहा था, अब देखना वो कहां पॉइंट करेगा, 50 को। बताइए समझ में? अब जी नेक्स्ट लाइन पे क्या होगा, x की वैल्यू 50 और प्लस 30, ये दोनों टोटल हो गए और इस a को असाइन होंगे। लेकिन ये लाइन बहुत चैलेंजिंग है, प्लीज मेक इट वेरी क्लियर कि जब भी आप लोकल स्कोप में आप कभी भी a इक्वल टू लिखोगे, कोई भी वेरिएबल इक्वल टू लिखोगे, नॉर्मल इक्वल टू असाइनमेंट ऑपरेटर लगाओगे, ये याद रखना ये हमेशा नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा अगर ग्लोबल यूज नहीं किया है। तो जो उन्होंने स्टैक में यूज किया था ना ग्लोबल टॉप, अगर तुमने ग्लोबल यूज नहीं किया है, जैसे तुम अभी ग्लोबल तो यूज कर नहीं रहे हो, तो ये भी इसकी लोकल कॉपी बनाएगा। लोकल कॉपी का मतलब है एक और ए क्रिएट करेगा यहाँ लोकल में, और एक ग्लोबल में रहेगा, एक लोकल में हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक है, तो एक 80 बनाएगा और ये वाला 80 जाकर के पॉइंट करेगा यहाँ, मतलब ए जो है ये वाला लोकल वाला ए 80 को पॉइंट करेगा। अभी देखो कैसे, ये देखो ये आउटपुट में तो कोई फर्क नहीं है, वही चीज है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पे देखो, ए अब पहुंच गए हम लोगों ने उस वाली लाइन पे। अब देखो ए 30 पे पॉइंट कर रहा है, एक्स 50 पे पॉइंट कर रहा है, राइट right? अब टोटल आएगा 50 प्लस 30 80। सवाल ये है कि सर क्या ये वाला 30 मूव, मतलब ये वाला ए इधर चला जाएगा या फिर एक नया ए बनेगा? तो मैंने क्या बोला है, नया ए बनेगा, याद रखो नया ए बनता है लोकल कॉपी में, हमेशा एक नया लोकल वेरिएबल बन गया ए। जी सर। अब चेंज ए जब चलाओगे तो चेंज ए में क्या मिलना चाहिए, लोकल स्कोप में ए की वैल्यू कितनी है, 80। कितनी है? 80। ये देखो अब चेंज वाली लाइन जब चलेगी इक्वल टू 80 आ गया, चेंज ए इक्वल टू 80। ठीक है, चल गई ये वाली लाइन। अच्छा अब फंक्शन खत्म, फंक्शन खत्म तो सारे लोकल वेरिएबल डिस्ट्रॉय। याद रखो एक चीज होती है एजीसी, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर, ये ऑटोमेटिक चलता है। अब जब जैसे ही फंक्शन के अंदर फंक्शन का स्कोप खत्म होगा तो ए ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्टर इस पे क्रिएटेड सारे वेरिएबल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, एक्स भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ए भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो लोकल स्कोप ही खत्म हो गया। जब लोकल स्कोप खत्म हो गया तो बचा कौन, ग्लोबल स्कोप वाला है, और वो किसे पॉइंट कर रहा है, वो 30 को पॉइंट कर रहा है। जब वापस लौट के आओगे तो 30 मिलेगा तुमको। ठीक है, तो जहां से चले थे वहीं पे लौट आओगे, 30 से चले तो 30 पे आ जाओगे। देखो अब अपने लास्ट लाइन चला रहे हैं। अब देखो मैंने क्या बताया, लोकल स्कोप खत्म हो चुका है, अब नहीं बनेगा लोकल, सिर्फ ग्लोबल है, लोकल इज नॉट देयर, तो क्या प्रिंट होगा, 10 10 10 30। समझ आइए बात, क्लियर हुआ? यस सर।